एक मैच में लगे 807 रन, 3 शतक, 4 अर्धशतक और 46 छक्के। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच जारी 5 वनडे मैचों की सीरीज का चौथा मैच नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्ज ग्रेनेडा के मैदान पर खेला गया। इसमें वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मैच की शुरुआत शानदार तरीके से की। निर्धारित 50 ओवर में 418 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड के लिए इस पारी में जॉनी बेयरस्टो 56 ने 4 छक्के, एलेक्स हेल्स 82 ने 2, कप्तान योन मॉर्गन 103 ने 6 और जॉस बटलर 150 ने 12 छक्के लगाए। इस तरह इंग्लिश टीम ने अपनी पूरी पारी में कुल 24 छक्के बरसाए। विंडीज टीम ने भी जवाबी हमला बोला, लेकिन वह 48 ओवर में 389 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मेजबान टीम 419 रन के लक्ष्य का पीछा करने में 29 रन से पिछड़ गई। क्रिस गेल ने महज 97 बॉल ताबड़तोड़ 162 रन बनाए। इस दौरान गेल ने मैच में सर्वाधिक 14 छक्के भी जमाए। गेल के अलावा इस मैच में जॉन कैंपबेल ने 1, डेरेन ब्रावो ने 4, शिमरॉन हेटमेयर ने 1 और कार्लोस ब्राथवेट ने 2 छक्के जमाए। इस तरह विंडीज टीम की ओर से उसकी पूरी पारी में कुल 22 छक्के बरसे। यह मुकाबला दोनों टीमों की तरफ से लगे छक्कों और विशाल स्कोर के लिए यादगार बन गया। मैच में कुल 807 रन बने जबकि 46 छक्के लगे। एक वन डे में सबसे ज्यादा छक्के लगने का यह रिकॉर्ड है। इंग्लैंड की तरफ से कुल 24 जबकि कैरेबियाई टीम की तरफ से 22 हवाई फायर हुए। आपको बता दें कि इससे पहले एक मैच में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2013 बेंगलुरु में खेले गए मैच के नाम था। तब इस मैच में कुल 38 छक्कों की बरसात हुई थी।